हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GS सेंटर में। मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 5 5 यानी पांचवा का पार्ट बी जो अब शुरू होने वाला है, जो कारणवश वो कुछ क्वेश्चन होने के बाद पार्ट वन बंद हो चुका था, जो कि अब इस तरह है। ठीक, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 10वीं योजना का मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य जो है 10वीं योजना के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020-12 तक सभी गांवों के लिए पेयजल। इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है सही नहीं है। ठीक, यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय क्या होती है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति के आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर जो होता है उसे व्यक्तिक प्रयोज्य आय कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। किससे संबंधित है राजकोषीय नीति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति जो है किससे संबंधित है, तो सरकारी राजस्व एवं बैंक दर नीति। सरकारी राजस्व एवं बैंक दर नीति यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या प्रारंभ करने के बाद अन्न का वितरण प्रणाली दो स्तरों पर होने लगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या, लक्ष्यानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। किसके भीतर जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके अंदर, डीमोस के अंदर नहीं है। डीमोस जो है एक मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका, मंगल का उपग्रह है। ठीक, ये जो है कैलिस्टो, गैनिमिड एवं यूरोपा, ये तीनों जो है बृहस्पति का उपग्रह है और डीमोस जो है मंगल का उपग्रह है। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस एवं डीमोस। अभी हाल ही में जो है शनि ग्रह का 20 उपग्रह खोजा गया है, जिससे सबसे अधिक उपग्रहों वाला शनि ग्रह का जो है 20 उपग्रह खोजा गया है, जिससे कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है, तो शनि। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है कि किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है। किन्स के अनुसार जो है मुद्रा की मांग क्यों होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके, परिकल्पित प्रयोजन एवं लेन देन प्रयोजन एवं पूर्व पाय प्रयोजन के लिए जो है किन के अनुसार मुद्रा की मांग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विषु शब्द किसका द्योतक है। पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस दिन दिन और रात बराबर होता है उसे विषु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उसे विषु कहते हैं। दिन और रात 21 मार्च एवं 23 सितंबर को बराबर होता है। कहिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, दो दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। इसे 23 सितंबर को जो है शरद विषु तथा 21 मार्च को जो है क्या कहते हैं, बसंत विषु। ठीक, 21 मार्च को बसंत विषु एवं 23 सितंबर को शरद विषु कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था, तो किसने किया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन, यूएनसीईडी ने किया था। किसने किया था, यूएनसीईडी ने, जो ब्राज़ील के रियो में हुआ था। ये जो है 14 जून 1992 को जो है यह सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत की जो है जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासागरीय धाराएं, मानसून एवं भूमध्य रेखा एवं हिंद महासागर की जो है प्रभाव पड़ता है, तथा महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना। तो मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना, अजातशत्रु। कौन बना, अजातशत्रु। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया। तो रुपए का जो सिक्का भारत में जो है पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके शासनकाल में, तो शेर शाह के शासनकाल में। ठीक, तो शाहजहाँ के शासनकाल में आना चलता था। ठीक, आना। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से
कौन सा इलाका नहीं जीत सका? तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो है इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका? तो पेशवा बाजीराव जो है गुजरात, बुंदेलखंड एवं मालवा को जीत चुका था, लेकिन वह क्या उड़ीसा को नहीं जीत पाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, ठीक। तथा इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसका? ब्रह्म समाज का। तथा इन्हीं के प्रयोग से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तथा राजा राम मोहन राय को पाश्चात्य शिक्षा का भी अग्रदूत माना जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930, ठीक है। तथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तथा 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा? तृतीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोम माउंटेन्स को आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तूफान का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? तो तूफान का सागर जो है चंद्रमा के तल पर एक जलविहीन क्षेत्र है, जिसे तूफान का सागर कहते हैं, या वह उसे सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी, उसकी उसको इंग्लिश में पूछता है एग्जाम में, सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो ये है चंद्रमा पर, सी ऑफ ट्रैंक्वलिटी, या शांत सागर भी इसे कहा जाता है, शांत सागर, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ली कॉर्बूजियर जो है चंडीगढ़ का वास्तुकार था। तथा ये जो है एडविन लुटियंस जो है जो जो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे। किसके? राष्ट्रपति भवन के, ठीक। एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन के ये दोनों वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? जो सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ? सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को प्रमुख कोयला उत्पादक है? उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में भी कोयला का उत्पादन होता है, तथा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में भी कोयला का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज कोयले की प्रमुख खान है। कौन सी? कोयला की प्रमुख खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो है वर्णन संविधान के जो है अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। मूल कर्तव्यों का जो है वर्णन 51 के ए में किया गया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ क्या होगा? 51 के ए और भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में किया गया है, ठीक। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्या? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन एक है राजनीतिक दलों के निबंधन की व्यवस्था जन अधिनियम 1991 में की गई है, तथा राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तथा चार या चार से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को ही राष्ट्रीय दल का राजनीतिक दल माने जाते हैं, तथा चार नंबर है 1999 के सार्वजनिक चुनाव के समय चुनाव आयोग ने से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है, लेकिन 4 जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी
कौन? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? तो ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक। तथा सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी यूपी की ही थी, यूपी में बनी थी, ठीक। तथा विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जो है यूएनओ की दूत बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो भारत का जो है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग है तृतीयक सेक्टर। कौन सा? तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर को हम कृषि को प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, तथा द्वितीयक सेक्टर तथा कल कारखानों को द्वितीयक सेक्टर, तथा तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ा भाग तृतीयक सेक्टर से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक सेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे एम एस स्वामीनाथन थे। कौन? एम एस स्वामीनाथन। इनको भारत में जो है हरित क्रांति के जनक माना जाता है। कि क्या? हरित क्रांति के जनक। तथा भारत में जो है पहली बार हरित क्रांति कब लाई गई थी? तो 1967-68 में। कब? 1967-68 में। तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध की क्रांति के जनक माने जाते हैं। तथा अमूल डेयरी के संस्थापक भी हैं ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक। तथा जोजिला दर्रा भी जम्मू एवं कश्मीर है। कौन सा? जोजिला दर्रा भी जम्मू एवं कश्मीर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये जो है विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण। क्या? विलक्षण हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। अगला क्वेश्चन है अपने देश के लिए लड़ना धर्म है, तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। अपनी स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार मान लेना। क्या? हार मान लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झील जो है, झील क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में किया गया है? तो किस वाक्य में जो है अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय पिताजी आ गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय नहीं, पूज्य पिताजी आ गए। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग इन द ब्लैंक, तो इस फिल इन द ब्लैंक में जो है कौन सा वर्ड भरा जाएगा? तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स मैनी चैलेंजेस इन जनरल बट एयर पॉल्यूशन इन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल्यूशन इन पार्टिकुलर। क्या होगा? पॉल्यूशन इन पार्टिकुलर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्टेड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो दिए गए शब्द का सिनोनिम चूज करना है। तो क्या दिया है? इलेप्ट 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 का क्या होता है? तो जीत जाना। क्या होता है? बीत जाना या गुजरना। इलेप्ट का मतलब होता है बीत जाना या गुजरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोलोंग्ड। क्या होगा? प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड यानी लंबे समय तक, ठीक। क्या हो जाएगा? प्रोलोंग्ड यानी लंबे समय तक। तो यह हो जाएगा बीत जाना या गुजर जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केज। केज मतलब समाप्त हो जाना। क्या? केज। केज मतलब समाप्त हो जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक। तो जो सेम वर्ड्स इसमें चूज करना है, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या? बी, पाउच। पाउच माने थैली, ठीक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बोंटीफुल बोंटीफुल यानी सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी बोंटीफुल का सिनोनिम चूज करना है। तो बोंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेरियस। जेनेरियस जो है जेनेरियस, ठीक। जेनेरियस का भी मतलब होता है प्रचुर, ठीक। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, एवं रिलीजियस का मतलब होता है
धार्मिक। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन ए प्लेस इन लार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द केयर ऑफ द दोज हु आर इल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इनफर्मरी। क्या होगा, इनफर्मरी। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 45 एवं 30 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन पर समझ चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से बनाकर आंसर टिक कर दीजिएगा। और इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसको बनाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 45 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 15, 15 75, 15 64 17, 67 67, यानी 675। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 675। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 दिन के लिए 7 पुरुष को 15 बोतल पानी की जरूरत पड़ती है, तो 7 दिन के लिए 4 पुरुष को कितने बोतल पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यानी 2 दिन, 7 दूनी 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए 15 बोतल की जरूरत पड़ती है, तो 7 दिन के लिए 4, यानी 28 दिन के लिए कितने बोतल की जरूरत पड़ेगी। यदि 14 दिन के लिए 15 बोतल की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो 28 दिन के लिए कितने होगी, 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्स बाई किसके योग द्वारा वाई बाई एक्स बनाया जा सकता है। तो किसको योग द्वारा वाई बाई एक्स बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स वाई के योग को जोड़ेंगे तो वाई बाई एक्स आ जाएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉस थीटा बराबर 3/5, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पे बी बट्टा एच दिया गया है, तो बी बराबर 3 और एच बराबर क्या होगा, 5। तो बी कितना है, 3, एच 5 है, तो पी कितना हो जाएगा, 4, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी √16 = 4, तो पी हो जाएगा 4। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी। तो एच कितना है, 5, और पी कितना है, 4, तो 5/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 74 का हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86.60। क्या, 86.60। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ दर्शाई गई आकृति में AD ट्रिंगल BAC का समविभाजक है, और AB = 5 सेंटीमीटर, AC = 7 सेंटीमीटर और BC = 3 सेंटीमीटर, तो BD का मान क्या होगा। तो BD का मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप बना लीजिएगा, यदि टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके बना करके आंसर टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि √X²+3X+C(((x²+5x+6)) / ((x²)×(x²+4x+3)। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, x+2/x। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC हरात्मक श्रेणी के पद हैं, तो A/B+C, B/C+A, C/A+B किस श्रेणी में होंगे। तो ये जो है किस श्रेणी में होंगे, ये जो है हरात्मक श्रेणी में ही होंगे। किस श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री होता था, उसकी संलग्न भुजा 40 एवं 40√3 हो, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो वह त्रिभुज कैसा होगा, यह जो त्रिभुज होगा 40 वो 40√3 है, तो यह त्रिभुज हो जाएगा कि कैसा, समद्विबाहु। कैसा होगा, समद्विबाहु। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को चुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 7 5 35 6 41। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाया गया है, तो इसको गुना कर दिया गया है 7 × 5 + 6, क्या हो जाएगा, 41। उसको भी देख लेते हैं, 5 5 15 4 19, यानी कि ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में संकेतिक होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो है किसके रूप में संकेतिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों, इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी दोनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है
कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑक्सीकरण को जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो लिखने वाली पेंसिल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट का। एग्जाम में पूछा जाता है कि शीशा की लेड पेंसिल में जो है, लेड पेंसिल में जो है लेड की मात्रा कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0%, लेड पेंसिल में जो है लेड की मात्रा नहीं पाया जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर जो है यह क्या बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनता है, मीथेन, क्या बनेगा, मीथेन। अगला क्वेश्चन है उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है, कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों एवं हड्डी की संरचना के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन दो जीवों का सहजीव माना जाता है, लाइकेन जो है दो जीवों का सहजीव माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो सूक्ष्म जीव हैं शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं कवक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी हुई होती है, तो एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी हुई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, प्लाज्मा झिल्ली से, किसके किससे जुड़ी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर मिलीमीटर होते हैं, तो दोस्तों 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, ठीक, तथा एक एक मीटर में जो है कितना 10^2 mm होता है, कितना 10 मिलीमीटर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, कितना हो जाएगा 10^6 mm, कितना होगा, 1 किलोमीटर बराबर 10^6 mm, यानी कि ब्लैक कॉटन क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है, तो कपड़े को जो है ब्लैक कॉटन कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का ऐसी मात्रक क्या है, तो तापमान का ऐसी मात्रक क्या है, तो केल्विन, क्या है, तापमान का ऐसी मात्रक केल्विन है, ठीक, तथा जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक है, क्या, कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक जूल, तथा शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन, प्रोग्राम की अवधारणा किसने, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा जो है किसने शुरू की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमन, किसने, जॉन वॉन न्यूमन। अगला क्वेश्चन है यदि गर्म पानी की अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, किस कारण, तो अचानक ही गिलास क्या होता है, संकुचित हो जाता है, क्या हो जाता है, गिलास जो है अचानक संकुचित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो है आविष्कार नरिंदर का पानी, किसने किया था, नरिंदर का पानी ने जो किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम ही गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण जो है टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, तथा पानी में डूबी ही छड़ी जो है तिरछी दिखाई देती है, किसी कारण, अपवर्तन के ही कारण दिखाई देती है, तथा सूर्य उगने से पहले जो है दिखाई देता है तथा डूबने के बाद भी दिखाई देता है, किसी कारण, तो अपवर्तन के ही कारण, तथा सूर्य जो है डूबने के समय लाल दिखाई देता है, किस कारण, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है, ठीक, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है, तो आणविक शिक्षा के जो है अभिविन्यास किससे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, किससे, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रदूषक था मिथाइल आइसोसाइनेट, किस, क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो जो घटना है दिसंबर 1984 में घटित थी, कब, दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984, ठीक, यह किस कंपनी थी, तो यह यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक, यदि कंपनी का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी, तथा यह जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है 20वीं सदी की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल की गई है, सब बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया कौन
अमोनिया का एक गुण कौन सा है, अमोनिया कौन सा एक गुण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जलीय विलयन में लाल लिटमस को, लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है नीला होता है, अमोनिया का एक गुण है जो जिसके कारण जलीय विलयन में लाल लिटमस कैसा होता है, नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बी जो है सूची वन को सूची दो से मिलाइए। तो बी वन क्या होता है, बी वन जो होता है क्या होता है, थाइमिन, बी वन थाइमिन होता है, तथा बी टू जो है क्या होता है, बी टू जो है राइबोफ्लोविन होता है, तथा बी सिक्स जो क्या होता है, बी सिक्स पाइरोडोक्सिन, तथा बी ट्वेल्व जो है साइनो कोबालामिन। तो इसको मिला के देख लेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर को जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर को जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है, कौन सी है, अग्नाशय है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, तथा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक, तथा आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रगाह जो है स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं, तथा अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से जो है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन स्रावत हो, इंसुलिन का जो है अग्नाशय जो है श्रवण करती है। अगला क्वेश्चन है, तथा इंसुलिन का नियंत्रण भी करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा यकृत। ठीक, कौन सा है, यकृत। तो कहीं कहीं दोस्तों इसका आंसर त्वचा भी मिलता है, तो ऑप्शन नहीं होने के कारण यहाँ यकृत ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।